चलिए सीधा नजर डालेंगे गुना से आ रही इस वक्त की अगली अपडेट पर। गुना से इस वक्त जानकारी मिल रही है जीएस इंडस्ट्री पशुहार फैक्ट्री पर छापामार कार्रवाई हुई है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं फैक्ट्री में नकली मसाला बनाया जा रहा था। आपको बता दें ये फैक्ट्री गाय और मवेशियों के लिए जो चारा बनाया जाता है उस चारे को बनाने का काम करती थी और अभी अभी पता चला है कि इस फैक्ट्री में नकली मसाला बनाया जा रहा था और अब सैंपल लेने के बाद इस फैक्ट्री को सील कर दिया गया है। गंभीर मामला है। जीएस इंडस्ट्री पशु आहार बनाने वाली फैक्ट्री है, बड़ी संख्या में और काफी बड़ी तादाद में पशु आहार की सप्लाई होती है इस फैक्ट्री से और सीधे तौर पर पशु के पास आहार के रूप में ये जो नकली मसाला है वो उन्हें खपाया जा रहा था और इसका ना सिर्फ जानवर के स्वास्थ्य पर बल्कि उनसे निर्मित दूध से इंसान के स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ता है। गुना से ये बड़ी कार्रवाई, जीएस इंडस्ट्री पशु आहार फैक्ट्री को सील कर दिया गया है। इस फैक्ट्री में भारी मात्रा में नकली मसाला बनाया जा रहा था। पशुओं को पौष्टिक आहार देने के लिए जो भूसा रहता है उसमें ये पशु आहार मिलाया जाता है ताकि मवेशी जो है स्वस्थ रहे और बेहतर दूध निर्मित हो, पर फैक्ट्री में नकली मसाला निर्मित किया जा रहा था। इससे ना सिर्फ जानवरों की स्वास्थ्य को बल्कि इंसानों के स्वास्थ्य को भी काफी नुकसान पहुंच रहा था। गुना से संवाददाता आनंद भार्गव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आनंद, जीएस इंडस्ट्री पशुहार फैक्ट्री से बड़ा खुलासा हुआ है, नकली मसाला भारी मात्रा में बरामद हुआ है, अभी तक क्या कुछ जानकारी मिली है, कितनी बड़ी तादाद में ये घपला चल रहा था? अभिषेक जी, जिला प्रशासन इन दिनों सख्त अपनी नजर बनाए हुए मिलावट खोरों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है कुमार पुरुषोत्तम जी कलेक्टर के द्वारा। इसके एक दिन पहले भी मंडी में नकली मसाला बनाने की फैक्ट्री को पकड़ा था, वहाँ धनिया के डंठल मिर्ची वगैरह के पाउडर भी नकली थे वो पूरे। आज सुबह भी यहाँ आपके इंडस्ट्रियल एरिया में कुसमुदा में सूचना पर कलेक्टर और एसपी ने मिलकर छापा डाला और उस इंडस्ट्रीज वाले को यहाँ उन्होंने भारी मात्रा में नकली मसाले बरामद किए हैं। उसके पास लाइसेंस था पशु आहार बनाने का, लेकिन पशु आहार न बनाते हुए वो मसाले आदि बना रहा था। जी जी, आनंद आपसे जानना चाहेंगे कितने लंबे समय से ये घोटाला चल रहा था, क्योंकि जानवरों को मिलने वाला पशु आहार काफी महत्वपूर्ण होता है और ऐसे में जो ये जो मसाले में मिलावट की जा रही थी, नकली मसाला बनाया जा रहा था, ये काफी बुरा प्रभाव डालता है मवेशियों पर, तो क्या कुछ जानकारी मिली है? जो तहकीकात कर रहे थे अधिकारी, उनसे क्या बातचीत हुई, कितने लंबे समय से ये सब चल रहा था? काफी लंबे समय से चल रहा था उनका ये गोरख धंधा। जी जी, और प्रशासन उसपे कई बार उनको शिकायत भी मिली थी, लेकिन प्रशासन ने कई बार उनको यहाँ छापा डालने का प्रयास किया, फैक्ट्री बंद वगैरह मिली थी उनको, तो आज सीनियर ढंग से उन्होंने प्लानिंग करके छापा डाला और माल बरामद किया है। ऐसी कार्रवाई और आगे चलती रहेगी, FIR वगैरह भी हुई है इनके इस प्रकरण में। कोई गिरफ्तारी हुई है अभी तक? गिरफ्तारी नहीं हुई, FIR हो चुकी है, कल भी FIR आई हुई थी एक ऐसे मामले में, एक अन्य मामले में आज भी FIR हुई है। अभिषेक जी, शुक्रिया आनंद। तो अभी तक गिरफ्तारी खैर नहीं हुई है, लेकिन जीएस इंडस्ट्री फैक्ट्री जो पशु आहार बनाती है उसके खिलाफ प्रकरण दर्ज हो चुका है और उम्मीद है कि आगे गिरफ्तारी भी हो जाएगी।